हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो से मैं शुरू करती हूँ कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होगी, जैसे कि मैंने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की हुई है, पूरी पॉलिटी मैं आपको कवर कराऊंगी। उसी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ये सीरीज़ पूरे 500 क्वेश्चंस की होगी, इससे आगे भी बढ़ सकती है, हम 1000 के ऊपर भी जा सकते हैं, पर अभी हमने एक लेवल लिया है कि हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेके चलेंगे। आज उसका पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। हम पढ़ेंगे भी, साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, मैं बता दूँ, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि किसी एक ही फैमिली से रिलेटेड किसी एक इंसान का राज्य नहीं चलेगा, कोई एक ही इंसान राजा हमेशा नहीं बना रहेगा, या उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं तो उनमें से कोई राजा नहीं चुना जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम भारत में नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे लोग जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता का राज्य है पूरी तरह से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन है, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवी अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो मैं बता दूं, ये जो वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी कि सेकुलर हैं मैं इंग्लिश में कहूँ तो मैं बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका कोई धर्म नहीं हो। हमारे संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की है। यहाँ जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ये एक सिर्फ सरकार के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारत की सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म पर आधारित होकर कोई भी फैसले नहीं लेगी। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि सरकार पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी कि उसका कोई धर्म नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ वर्णित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? आप लोग को पता ही है कि हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने किसी न किसी देश से बोरो की हैं, ली हुई हैं। तो उसी तरह शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था में, आपने पढ़ा होगा शून्यकाल, तो ये कहाँ से लिया गया है? मैं बता दूं कि सिर्फ यही एक ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ भारत से लिया गया है, यानी कि भारत से हमने कुछ बोरो नहीं किया है संविधान में, सिर्फ हमने शून्यकाल को दिया है संविधान में संसदीय व्यवस्था के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, भारत देश की देन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में जुडिशियल रिव्यू कहाँ से बारो किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि आपको राज्यों के समयानुसार उनका क्रम बनाना है कि कब कब वो भारत संघ में सम्मिलित हुए। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले गुजरात जो है 1960 में मुंबई से अलग होकर भारत में एक राज्य बनाया गया। उसके बाद नागालैंड बनाया गया 1963 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में बना। फिर उसके बाद सिक्किम को मिलाया गया 1975 में। अरुणाचल प्रदेश को मिलाया गया 1987 में 55th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो यहाँ पर जो दूसरा आंसर है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा कि पहले 7 हमारे मूल अधिकार थे, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 मूल अधिकार अभी हो गए हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी मूल अधिकारों के बारे में पूरा डिटेल में, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है?
तो मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार जैसे कि अब खत्म कर दिया गया है, मूल अधिकार नहीं रहा। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार एंड कानूनी अधिकार। तो इसमें से कौन सा सही है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, तो इसका सही आंसर है वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शंस हैं, पहला है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, चौथा है धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो हमारा भारतीय संविधान किस चीज़ की इनमें से मान्यता देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान हमारा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? यानी कि कौन सा अधिकार ऐसा है जो राष्ट्रपति का नहीं है? यहाँ मैं बता दूँ कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार यानी कि वीटो पावर, ठीक है, तो जो धन विधेयक है यानी कि वित्तीय बिल, तो ये राष्ट्रपति का के वीटो पावर में नहीं आता। यानी कि धन विधेयक में राष्ट्रपति अपना वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? तो ये कथन कहा था हृदयनाथ कुंजरू यानी कि HN कुंजरू कहा जाता था इनको। ये जो है फजल अली आयोग के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉमन है, उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा ही होंगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा एंड उपरोक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन भी किया जा सकता है लोकसभा का, सत्रावसान करके लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है और विघटन किया जा सकता है। मैं यहाँ पर सत्रावसान और विघटन शब्द को बता देती हूँ, समझा देती हूँ। सत्रावसान मतलब सत्र प्लस अवसान, अवसान का यहाँ मतलब होता है समापन, यानी कि संसद की कार्यवाही का समापन, सत्र की कार्यवाही का समापन, इस शब्द का ये मतलब है। अगला शब्द है विघटन। यहाँ पे विघटन का मतलब है तोड़ देना या भंग कर देना, यानी कि सरकार या लोकसभा का समापन कर देना। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि ये है कि विघटन का जो संबंध है ये केवल लोकसभा से है, राज्यसभा से नहीं है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है स्थगन, तो स्थगन से मतलब होता है कि सत्र की कार्यवाही को बीच में रोकना कुछ समय के लिए, जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती है कि कितनी देर के लिए उसको रोक रहे हैं। और स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लोकसभा की जो बैठक है उसको स्थगन द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान द्वारा समाप्त किया जा सकता है, विघटन द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या अध्यक्ष होता है या कोई और? तो मैं बता दूं कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को मत लाइएगा। राष्ट्रपति यह निर्णय नहीं करता कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये सीरीज़ मेरी स्टार्ट रहेगी। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो दिस इज़ इट, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।